नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं बुकों के बारे में, कौन सी बुक आपको जूनियर अकाउंटेंट के लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग की है तो आपको उस कोचिंग संस्थान की बुकों को ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको ही रिविजन करना चाहिए। अगर आप अलग किसी बुक पर जाते हो तो आपकी शेड्यूल खराब हो सकता है, आपके जो पढ़ने का तरीका है, जो टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग हो सकता है, तो आप किसी दूसरी बुक पर नहीं जाइएगा। और उसके बाद अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं ली है तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर के बारे में आपसे बात करूंगा। ये फर्स्ट पेपर की बुक स्प्रिंग बोर्ड ने निकाली है, जो 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर में, 6 सब्जेक्टों की कंबाइंड बुक है। थोड़ा सा आपको भारी लग रही होगी लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट की एक वन लाइनिंग के हिसाब से ढंग से निकाला है और आप जल्दी इसको फर्स्ट पेपर को कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगी। तो आपको ये स्प्रिंग बोर्ड की बुक अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। उसके बाद सेकंड पेपर के बारे में अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सृजन क्लासेज की बुकों पर, क्योंकि सृजन क्लासेज की बुक वन लाइनिंग है और प्रत्येक टॉपिक के बाद उन्होंने 50 से 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो हमें अपने आपकी तैयारी को परखने का मौका देते हैं कि हमने उस टॉपिक में पढ़ाया जो सही है या नहीं है। और ये सारे क्वेश्चंस पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये दीपक जी हैं जिनकी बुकों में भी लगभग 300-400 वन लाइनिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी मुझे अच्छी लगी। तो आप इन दोनों में से एक डिसाइड कर सकते हैं केवल अकाउंट के लिए, क्योंकि अकाउंट की दीपक सर की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अपन बात करते हैं दीपक ये कपिल चौधरी जी की। कपिल चौधरी जी ने अच्छी बुक छापी है लेकिन मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी वो लगी थी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इन्होंने हैंड राइटिंग से और अच्छे तरीके से पर टॉपिक अच्छा तरीके से लिया है और प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरह से लिया है, तो मुझे लगा कि ये भी मुझे आप दोस्तों को बताना चाहिए। दोस्तों में उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिस पर लगभग 1500 लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से 400-500 केवल उसके आंसर देते हैं जो मैं क्वेश्चंस डालता हूँ रोजाना। 30-40 क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ, 10-20 भी डालता हूँ कभी कभी, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर दिया करो। वो क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, आपको लगेंगे कि ये इसका आंसर नहीं आता तो आप छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, लेकिन उनके आंसर देना चाहिए। मुझे जो क्वेश्चंस बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैं केवल उन क्वेश्चन को डालता हूं, तो आपको उनके आंसर देने चाहिए। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों से जुड़ सकूं और नई नई बातें और नई नई बुकें और आप तक शेयर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।